देखिए, एक कोरियो की 40 इंच एलईडी है, इसके फॉल्ट को देखिए। स्लो मोशन पिक्चर आ रहा है, तो हम कैसे एक प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं आज हम देखेंगे। पहले हम बैकवर्ड को ओपन कर लिया। देखिए इसका स्केलर बोर्ड है, इसको बहुत अच्छे से जांच करना है। पहले हम वोल्टेज को चेक करें। देखिए ये पैनल सप्लाई है, 12 वोल्ट सही है। इसके बाद 3.3 वोल्ट को देखना है। देखिए ये 3.3 के टेस्टिंग पॉइंट है, इधर देखिए 3.3 वोल्ट भी सही है। इसके बाद देखना है एबीडी वोल्टेज को। देखिए ये एबीडी का टेस्टिंग पॉइंट है, देखिए देखिए एबीडी वोल्टेज भी सही है। और इसके बाद देखना है वीजीएच वोल्टेज को। देखिए टेस्टिंग पॉइंट है वीजीएच की, हाँ देखिए ये वीजीएच वोल्टेज भी सही है। और ये देखिए ये वीजीएल वोल्टेज की टेस्टिंग पॉइंट है, इधर देखिए, हाँ ये वीजीएल वोल्टेज भी सही बना है। अब पैनल को खोलना है। इसमें जो गेट कॉप है, गेट कॉप में कोई वोल्टेज मिसिंग है। एक्चुअली गेट कॉप में वीजीएच वोल्टेज मिसिंग होने से ये प्रॉब्लम आता है। तो हम गेट कॉप में वीजीएच वोल्टेज को एक बार चेक करके देखेंगे। देखिए दो गेट कॉप यूज़ किया है, एक और ये दो गेट का भी यूज़ किया है। अब वोल्टेज को हम चेक करेंगे। पहले ये जो वीजीएच की टेस्टिंग पॉइंट है उसको साफ कर लेंगे। एक हम बहुत ही सावधानी से करना है। अब वोल्टेज को हम चेक करेंगे। देखिए इधर कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है, देखिए -0.4, इनकी कोई वोल्टेज नहीं है वीजीएच टेस्टिंग पॉइंट पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक जम्पर वायर लेकर स्केलर पर बाईपास कर देंगे। यानी कि वीजीएच वोल्टेज को हम यहाँ बाईपास करेंगे। देखिए बाईपास कर दिया। एक बार हम पार देखे वोल्टेज को हम चेक करेंगे। देखिए वोल्टेज सही हो गया, 26.1 पिक्चर भी आना चाहिए। देखिए देखिए नो सिग्नल, यानी कि पिक्चर आ गया। देखिए नो सिग्नल आ गया, सही से चल रहा है, कोई स्लो मोशन और नहीं है। देखिए मैंने कैसे बाईपास किया है,
बीएच टेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ये जो स्केलर है, स्केलर पर देखिए ये बीजेज की टेस्टिंग है पॉइंट है, यह मैंने सोल्डरिंग कर दिया। टीवी में सिग्नल दिया, देखिए पिक्चर पूरा सही हो।